तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम रूम में। अगर आप लोग अप्रेंटिसिस करना चाहते हैं तो आप लोग तमिलनाडु से कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। यह आपकी त्रिचुपाली का आपका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी बॉट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रेजुएट और आपने टेक्निकल अप्रेंटिस दोनों के लिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो आप लोग अप्रेंटिसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है डिप्लोमा होल्डर ग्रेजुएट दोनों के लिए है। मैं आपको सीधे तौर पे सच्चाई बताता हूँ, 3,500 रुपये आपको स्टिपेंड मिलेगी डिप्लोमा वालों को, और जो ग्रेजुएट वाले हैं इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए आपकी लगभग 5,000 आपको स्टिपेंड मिलेगी। तो यहाँ पे सारे ही स्ट्रीम है आपके, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो तो डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, 4 साल का। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देखिए आप कोई भी अप्रेंटिसिस करते हैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसमें अप्रेंटिसशिप पोर्टल में www.mhrdnats.gov.in पे, ठीक है, ये आपको करना पड़ता है तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों बिफोर अपियरिंग इन वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से आपका रहेगा यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू कैसे होगा, आपको यहाँ पे जो आना होगा 1 अक्टूबर को आपको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसिस पोर्टल के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा, अपना 10th की मार्कशीट, अपनी जो 12th की मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी, डिप्लोमा की मार्कशीट या इंजीनियरिंग की मार्कशीट, ठीक है। उसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आप लोग ला सकते हैं डिग्री का। कम्युनिटी सर्टिफिकेट किसी आप कैटेगरी में आते हो SC OBC EWS वो ला सकते हो। 3 पासपोर्ट साइज़ आपको फोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी ले जा सकते हैं, वोटर आईडी वो भी ले जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन मैंने PDF में दे रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाके सीधा अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू में शामिल हो सकते हो 1 तारीख को। वॉक इन इंटरव्यू आपका जो है 1 तारीख को है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है 1 अक्टूबर को है, आप लोग यहाँ पे चले जाइएगा और वहाँ पे जो भी डिटेल होती है आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1 अक्टूबर को यहाँ पे आपके इसका इंटरव्यू रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए 72 है, ग्रेजुएशन वालों के लिए 12 वैकेंसी हैं। आप लोग इस पर यहाँ से अप्रेंटिसिस कर सकते हैं तो आप लोगों के करियर में काफ़ी अच्छा आपको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप रहती है आपके आने वाले करियर में बहुत ज़्यादा आपके काम आती है, ठीक है। आगे जो बहुत सी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें इसके बारे में आपसे मांगते हैं, अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगी। तो तमिलनाडु की अप्रेंटिसशिप की आपकी ये थी आपकी वैकेंसी थी, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचुपाली की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरीके की और वीडियोज़ पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।